हेलो दोस्तों, प्रेस कीजिए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर और उसके बाद में बाजू में बने इस घंटे को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाली नए वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल KK एडिटिंग एंड टेक टिप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीवी एडिटिंग से रिलेटेड एक बिल्कुल न्यू ट्रिक जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी सिवाय एक दो लोगों के। तो वो ट्रिक से आप अपनी सीवी एडिटिंग को बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं मोबाइल से ही। तो दोस्तों, इस ट्रिक में मैं आपको फेस एडिट करने के बारे में बताऊँगा जो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है और ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू ट्रिक है और इसमें मैं किसी इफ़ेक्ट्स का यूज नहीं करूँगा, एडजस्ट टूल में जाके ब्राइटनेस भी नहीं बढ़ाने वाला हूँ। तो एकदम न्यू ट्रिक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपना पिकार्ड ओपन करना है, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। के बाद हमें यहाँ पर अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको हम एडिट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस फ़ोटो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम यहाँ से ड्रॉ टूल में चले जाएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ड्रॉ टूल में मैं जाकर अपने फेस के ऊपर, इस फोटो के फेस के ऊपर वाइट कलर करके उसकी कैपेसिटी कम कर दूंगा और इसे सीवी एडिटिंग लुक दे दूंगा। तो दोस्तों, मैं उस ट्रिक की बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल न्यू ट्रिक है और 101% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रिक आपकी हर फोटो में वर्क करेगी और आपकी फ़ोटो सी बी एडिट बन जाएगी। तो मैं चलिए दिखाता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर लेयर पैनल पे जाएंगे, एम्प्टी लेयर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सी बी एडिट की हुई फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक सी बी एडिट फ़ोटो मैंने डाउनलोड किया है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। दोस्तों, ये फोटो यहाँ पर आ गई है, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कलर में जाके कलर चूज़ करेंगे। दोस्तों, आपको ये मेन पॉइंट है इस ट्रिक की। तो जो हमारा सी बी एडिट किया हुआ जो फेस है यहाँ पर, उसका फेस का कलर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उस फोटो को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद एक एम्प्टी लेयर सेलेक्ट ले लेंगे। उसके बाद हम अपने फेस पर कलर करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से फटाफट कर लेता हूँ। दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से करना है, आपके पूरे फेस पर, गर्दन पे, हर जगह इस कलर को लगाना है। लेकिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मतलब ओठों पर, लिप्स पर नहीं लगाना है इस कलर को और आँखों पर भी नहीं लगाना है। तो लेकिन यहाँ पर इसने चश्मा पहना हुआ है तो और अच्छा है आपके लिए, अगर आप गॉगल्स लगाए हुए हैं फ़ोटो में तो आपको आसानी होगी। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैंने देखा है यहाँ पर एक, और मैं आपको बता सकता हूँ कि इस ट्रिक के बारे में आपको दो तीन लोगों के अलावा किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की न्यू ट्रिक्स लाता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कर लिया है अच्छे से। मैं इस वीडियो की स्पीड भी नहीं बढ़ाऊँगा ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल आए, आपको पूरी तरह समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पर पूरा फेस पे कर चुका है कलर। उसके बाद लेयर पैनल पे जाएंगे और फिर कैपेसिटी
20 से 30 के बीच में रखेंगे, तो मैं यहाँ पर 30 तक रख देता हूँ। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये लुक आ गया है, एकदम सीवी एडिट वाला। आप चाहे तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा करके और अच्छा लुक दे सकते हैं। देखिए मैं 40 कर रहा हूँ, तो देखिए कितनी अच्छी लुक दिख रही है दोस्तों, एकदम सीवी एडिट लुक आ रही है। उसके बाद अब यहाँ पे मर्ज कर देंगे और डन कर देंगे दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इस ट्रिक को नहीं यूज़ करते तो हमारी फ़ोटो किस तरह दिख रही होती। दोस्तों ये हमारी ट्रिक की वजह से इतनी अच्छी लुक आ गई है इस फोटो में, और विदाउट में देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों सिंपल फ़ोटो किस तरह की दिख रही है, और हमने जो ट्रिक किया है देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लुक आ गई है इस फोटो में। और इसकी वजह से आपको इसमें कोई ब्राइटनेस बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें कितना अच्छा लुक आ गया है। तो आप इसके हाथों पर भी इस तरह से कर सकते हैं और आप किसी भी फ़ोटो को इस एकदम बढ़िया लुक दे सकते हैं सेव एडिट वाला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।